बना रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने जो है ना अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नवीदुल अब्बास। आज सूरज निकला हुआ है तो आज हम अपने गमलों की शिफ्टिंग छत के ऊपर करेंगे। 3 दिन से सूरज नहीं निकला हुआ था। आज थोड़ी धूप की तपिश हमें मिल रही है तो इसलिए आज हम गमलों की शिफ्टिंग छत के ऊपर करेंगे। ये देखें सूरज, देखें हल्का हल्का अभी भी बादलों के अंदर है, दिख रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, अपना चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है। अपने सारे प्लांट्स पॉट्स जितने भी हैं हम ऊपर रख लेंगे, क्योंकि नीचे इनकी बहुत बुरी अब हालत हो चुकी है। एक तो फ्लावरिंग कम हो रही है, फ्लावर का साइज़ कम हो रहा है, लीव्स छोटे हो गए और जो लीव्स हैं वो भी नीचे की तरफ टर्न कर रहे हैं। ठीक है, सारे हम अपने पॉट्स यहीं पे ले आएंगे। ये रोसमोस का मोस्ट फेवरेट सीज़न है, वेदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब बारिशें होने लगती हैं और गमलों में और प्लांट्स में और पॉट्स में पानी खड़ा होने लगता है तो ये नाराज़ हो जाता है और अपने लीव्स छोटे कर लेता है, अपने फ्लावर छोटे कर देता है। ये भी उठेगा मुझसे, आप उसको छोड़ दो, जो आपसे उठ रहा है वो ले आओ। ये तो ये अपने फ्लावर्स छोटे कर देता है, अपने लीव्स छोटे कर देता है और आज इसको बड़ी खुशी होगी कि इसको सनलाइट मिल रही है। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आपने, ये जो हमारे फूल सूख जाते हैं, जैसे कि ये हो गया है, ये हो गया है, तो हमें इसको ये निकाल देना चाहिए, इससे आपके प्लांट की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। और जैसा कि ये भी मैं सब निकाल दूंगा जितने भी हैं, ओके। तो ये फालतू के पर लगे रहते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जान नहीं लगाना पड़ती, बस यूँ पकड़ें यूँ निकल गए आराम से। बहुत देख सकते हैं अभी मेरे कितने बुरे लग रहे होंगे फ्लावर्स, तो अब मैं निकाल दूंगा इसको तो ये बहुत अच्छे लगने लगेंगे। एक से इनसे प्लांट्स की खूबसूरती ख़राब होती है, दूसरी प्लांट जो है ना बुशी नहीं होता, और प्लांट की जितनी एनर्जी होती है वो सीड बनाने पे खर्च हो जाती है, उसको खुश करने पे, इसको ये करने पे, उसको इसके बेहतर है कि इसको निकाल ही दें आप। ये भी हो गया है मेरे ख्याल से खुश्क ना, ये बिल्कुल आराम से निकल जाता। ये भी आप टच कर दें, बस आप टच कर दें ये खुद ही निकल जाएगा। ये देख सकते हैं मेरे अभी प्लांट की जो है वो बहुत बुरी कंडीशन हो गई है और मैं इनको बेटर टू बेटर करना चाहता हूँ। ये भी निकल गया, चलो खैर इसके ये भी निकल जाते हैं, ओके। ये देख सकते हैं आप, मैं सारे निकाल दूँगा ताकि हम इसको धूप में रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फूल दें और ज़्यादा से ज़्यादा फूल दें। ये देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था अपना फ्लावर तो बहुत छोटा हो गया था, तो ये देख सकते हैं अब मैं सारे निकाल दूंगा ताकि इनकी ताकि ये अच्छे लगें। बाकी लेकर भी आ जा सारे। अरे यार बड़ा मेहनत कर तलब काम है, आप भी ये काम करें आपको बहुत मजा आएगा, टाइम पास होते रहेगा आपका। देखिए थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहा है, दिखाएंगे जरा बादलों में से थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहा है। चलें ओवरव्यू दिखाते हैं।
ये जो आपको दिख रहा है इसके पीछे नदी भी है। हम आपको यार ये दिखाओ, ये आपको नदी भी दिखाएंगे। नदी में पानी आया कहाँ है वो, मैं आपको ऊपर से दिखा दूंगा, ऊपर वाली छत से। ये देखें मस्जिद है, पीछे नदी है। जब ज्यादा बारिशें होती है ना तो नदी में पानी भी आता है, और बाज दफा तो इतना चढ़ जाता है जितना घर मकान है सब नदी के अंदर आ जाते हैं। चले और ऊपर से पूरा टेरेस है जो ना, हम आपको अपनी नदी दिखाएंगे। वो जो अम्मा, वो जो अंगूर की वाली बेल पे रखी, वो वहाँ वो वाले भी लियो। हाँ ले आना, अम्मा बोल दी इसमें। चलो मैं बोल दूंगा। तो फ्रेंड्स वहाँ बराबर में जो मेरा भाई है उसके बराबर में अम्मा खड़ी हुई थी, तो उनको भी शौक है मेरा पौधे पालने का, इसलिए मैंने उनको उनसे पूछा। ठीक है, पौधों की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो गई है इस वाले पौधे की, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है। इस प्लांट को मैंने ख़रीदा था और पूरे कटिंग करके दूसरी जगह लगा दिया था। ये शूट्स है ना, ये इनको मैंने बहुत सारे गमलों में लगा दिया था, तो ये देखिए दोबारा नई ग्रोथ लेके कितना प्यारा हो गया ये प्लांट, पूरा पॉट भर गया है दोबारा। अब इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी, अभी बड्स है छोटी छोटी हैं, इसके ऊपर बड्स ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बड्स आ रही हैं। हफ्ता 15 दिन में इसकी पूरी बड्स आ जाएंगी। अभी अभी इसके अंदर पानी की कमी हो गई है, शाम में ये थोड़ा सा ना ढीला ढीला हो रहा है, तो बहुत मेहनत का काम है। अभी करें आपका ऐसे टाइम पास होगा, ठीक है। वैसे फर्क लोगों का काम है ये, तो वो तो आज ईद है इसलिए मैं करने लगा, वरना मैं कहाँ करता हूँ। तो आज मैं सारे जितने भी पॉट्स हैं मेरे मुँह से आज मैं सारे यहाँ सजा दूंगा, लगा दूंगा, फिर उनकी हम काउंटिंग करेंगे कि कितने हैं। ये आखिरी बचा है, बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए मैं ला नहीं सकता। अब मैं यहाँ पहले काउंटिंग कर लूँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और एक और 23। ये मैं भी इसको यहीं रख देता हूँ जाके। 23 तो सिर्फ ये ही है मेरे, और नीचे भी रखे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं क्या नीचे, ठीक है। लेकिन असल में अभी वो बहुत भारी भारी हैं, मैं अपने वालिद साहब से उठवाऊंगा, सही है। तो अभी ये 23 के करीब है, 23 के करीब हैं ये, तो देख सकते हैं आप। अब इंशाल्लाह हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत